विकास ये होता है कि एक क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई अच्छी जो है इंस्टीट्यूट बने, कोई कॉलेज बने, और कारोबार के लिए कोई ऐसी माध्यम हो जिससे तमाम वर्ग के लोग उसमें कारोबार पाएँ, अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करें, और जो युवा हैं हमारे जो एजुकेशन वाले लोग हैं वो पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी करें। ये है विकास। विकास खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये तो हमारी आस्था है, आपको आपके भगवान के अंदर आस्था है, हमारे अल्लाह के अंदर आस्था है। हम मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, आप पूजा करने के लिए आप अपने मंदिर में जाते हैं। हाँ चलो, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। अगर विकास वाकई करना है आपको तो यहाँ पर राम मंदिर, जिसे आपने राम के नाम से मंदिर बनाया है, राम के नाम से एक बड़ा इंस्टीट्यूट आप बनाइए यहाँ पर, वहाँ पे हर समुदाय हर धर्म के लोगों को आप एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए। क्यों, सिर्फ मंदिरों का स्थानों पर ही स्कूल और कॉलेज बन सकती है क्या? ये काम तो मस्जिदों के जगहों पर भी हो सकती है। पहली बात, ये जो राम मंदिर बना है तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं बना है। और रही बात विकास करने की, तो इसका जिम्मेदारी सिर्फ हम ही लेंगे क्या? जनसंख्या कंट्रोल भी हम सिर्फ हिंदू ही करें, तुम्हारे तो अल्लाह की देन है। अच्छा चलो, हम मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है और हमने देश का विकास ना करके मंदिर बनवाया, लेकिन यहाँ पर तो अब गलती हो चुकी है, अब उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों के पास अब भी टाइम है, आप लोग मस्जिद के जगह पर देश के विकास के लिए काम करें। लेकिन हमें पता है कि आप लोग ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोगों को जब सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल के बारे में बोला जाता है तो तुम लोग बोलते हो कि ये तो अल्लाह की देन है। अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? बताओ, कैसे ऊपर वाले की देन है? हद कर रहे हो, ऊपर वाले की देन है तो ऊपर वाले को बोलो ना 15 का 50 किलो राशन दे दे। फिर राशन देना है तो बाबा योगी देगा, और बच्चे देने हैं तो ऊपर वाला देगा। हम तुम लोग तो नमाज तो भी सड़क पे भी पढ़ लेते हो, चाहे उससे लोगों को परेशानियों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। रुक जा।